अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के गैर मुल्की मुदाखलत कमीशन में गवाही। ट्रूडो का कहना था कि 2019 और 2021 के आम इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे। मीडिया को होने वाली इंटेलिजेंस लीक की तरदीद नहीं की जा सकती। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के नाम पैगाम। ट्रूडो का कहना था कि गजा में इंसानी बहरान ईद को मुश्किल बना रहा है। ट्रूडो ने एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। टोरंटो के मगरब में मौसम में बहार का ताकतवर तूफान। इन्वायरमेंट कनाडा की मौसलाधार बारिश की पेशन गोई। 25 से 45 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत में नई दिल्ली में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। बांग्लादेश के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात। शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है। इस्माइल हनिया का बेटों की शहादत पर रद्द अमल। इस्माइल हनिया का कहना है कि मेरे ख़ानदान के 60 अफराद और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। ईरानी कमांडर का कहना है कि इसराइल को जल्दबाजी में नहीं ठीक वक्त पर जवाब देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. ट्रूडो ने कहा है कि हुकूमत मुखालफीन को कनाडा की इंटेलिजेंस तक रसाई दिए बगैर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं कर सकती। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गैर मुल्की मदाखलत के बारे में वफाकी तहकीकात पर मायूसी का इजहार किया है कि मीडिया को लीक होने वाली इंटेलिजेंस को सनसनी खेज और सियाको सबाक से हटकर करार दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गैर मुल्की मदाखलत कमीशन को बताया कि खुफिया मालूमात को जाहिर किए बगैर मीडिया को होने वाली इंटेलिजेंस लीक की तरदीद नहीं की जा सकती। ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन कौमी सलामती के हुक्काम और आला ब्यूरोक्रेट्स के उन नतायज पर एतमाद कर सकते हैं कि 2019 और 2021 के आम इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कैनेडा के इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत पर नज़र रखने वाली कमीशन को बताया कि खुफिया मालूमात अफशा करने से लीक्स की तरदीद कुछ सिक्योरिटी अहलकारों को ख़तरे में डालेगी। उन्होंने कहा कि ये लीक्स इतनी गहरी तशवीश का बायस क्यों थे कि हम मुखालफीन के साथ कुछ मालूमात या तरीकों का इश्तराक किए बगैर रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं कर सकते थे, जो हम कैनेडियनों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमिश्नर मेरी जोसी हॉक की इंक्वायरी इन दावों की तहकीकात कर रही है कि चीन और दीगर ने कनाडा के गुज़िश्ता दो इंतखाबात में मदाखलत की। वो गुज़िश्ता दो विफाकी इंतखाबात में मुबैना मदाखलत से मुतालिक हुकूमत के अंदर मालूमात के बहाव का भी जायजा ले रही हैं। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के नाम अपने पैगाम में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गजा की तबाह कुन इंसानी सूरत हाल का भी जिक्र किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के नाम अपने पैगाम में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गजा की तबाह कुन इंसानी सूरत हाल का भी जिक्र किया। ट्रूडो का पैगाम एक रिवायती बयान है जो मजहबी तकरीबात के दौरान जारी किया जाता है ताकि मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की अहमियत और उनके ममालिक के सामाजिक इकतसादी तरक्की में उनके तआवुन पर जोर दिया जा सके। अपने पैगाम में ट्रूडो ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर जन्म ले रहा है जो ईद को एक मुश्किल वक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कनाडा गजा में फौरी जंग बंदी और शहरियों के लिए इंसानी इमदाद तक महफूज बिला रोक टोक रसाई के लिए अपने मुतालबे की तौसीक करता है। ट्रूडो का कहना था कि मुसलमानों के लिए ईद इबादत और गौर व फिक्र का वक्त है, जहाँ खानदान और कम्यूनिटी के अफराद ज़रूरतमंदों के लिए शुक्रगुजारी खैरात और हमदर्दी के इकदार पर तवज्जो मरकूज करते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने भर के रोज़ों को ख़त्म करते हुए ये तीन रोज़ा त्यौहार अपने प्यारों के साथ
जश्न मनाने का वक्त है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हम सब के लिए ईद इन बहुत सी शराकतों को तस्लीम करने का मौका फराहम करती है जो कैनेडा के मुस्लिम कम्युनिटीज ने हमारे मुल्क के लिए की हैं और जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मजबूत और मतनू कैनेडा की तामीर में मदद की है जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ट्रूडो का मजीद कहना था कि कैनेडा की हुकूमत की तरफ से मैं हर एक को मुबारक सेहतमंद और खुशियों भरी ईद मनाने की ख्वाहिश करता हूँ। टोरंटो के मगरब में मौसम बहार के ताकतवर तूफान के करीब आने के साथ ही मौसलाधार बारिश की पेशेंगोई की है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मगरब में मौसम बहार के ताकतवर तूफान के करीब आने के साथ ही मौसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है जबकि एक मौसम बहार का ताकतवर तूफान टोरंटो के उफक पर है। शहर के मगरब में शदीद बारिश होने की पहले ही पेशगोई की गई है और ऐसा हफ्ते के आखिर तक रहेगा। एनवायरमेंट कैनेडा ने हैमिल्टन में नुमाया बारिश के लिए मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया जिसमें 25 से 45 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। तूफानी हालात बुध को रात को शुरू हुए और हफ्ते की सुबह तक जारी रहने की तवक्को है। सबसे ज्यादा बारिश जुमेरात की शाम को शहर को नम कर देगी। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की गई है। जुमे की रात बारिश के साथ हवा के तेज झोंके 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की पेशगोई की गई है। मौसमियाती एजेंसी ने नोट किया है कि बारिश जुमे की रात बर्फ के साथ मिल सकती है। टोरंटो में बारिश के वक्फे और जुमेरात को दोपहर के आखिर में गरज चमक के साथ तूफान का खतरा देखा जाएगा जबकि जुमे को मजीद बारिश मुतवक्के है क्योंकि दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। माहरीन मौसमियात के मुताबिक टोरंटो हफ्ते के आखिर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ एक ठंडा और हवादार आगाज देखेगा लेकिन इसके बाद गर्म और रोशन मौसम होगा। इतवार पीर और मंगल को दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दोनों ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात हुए जिनमें मुल्क कौम की खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मजलूम मुसलमानों की नुसरत की दुआएं की गई। बांग्लादेश के तमाम छोटे बड़े शहरों कस्बों की जामा मस्जिद ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। नमाज के बाद आवाम ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। भारत के हर शहर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में हुआ जिसमें हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अफगानिस्तान, यूरोप, अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में बुध 10 अप्रैल को मनाई गई और आज वहां के मुसलमान ईद के दूसरे दिन की खुशियां मना रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने बेटों की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने बेटों की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है। एक बयान में इस्माइल हनिया ने कहा कि पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बच्चे शहीद और घर तबाह कर दिए जाएं। मेरे खानदान के 60 अफराद और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक गजा में ईद के रोज सहयूनी फौज ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवान साला बच्चे शहीद कर दिए थे। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनह गुजीनों से ईद मिलने गए थे। इसराइल फौज ने फिजा से उनकी गाड़ी पर बम बरसाए। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर ने कहा है कि इसराइली हमले का जवाब देने में आजलाना बौखलाहट से काम नहीं लेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने के लिए नपातुला और सोचा समझा वार करेगा, जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जाएगी। पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा है कि हमारे महबूब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जैसा कि कहा, हम इसराइल को जवाब देंगे मगर जज्बाती होकर और बौखलाए हुए अंदाज में नहीं बल्कि खूब सोच समझ कर नपातुला जवाब देंगे। हम ऐसे नहीं कि जवाब ना दें मगर ठीक वक्त पर और अल्लाह ने चाहा तो बहुत ठीक जवाब देंगे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।